अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। इससे पहले मैं कोई बात करूं, मैं आपके माध्यम से जो हमारे मीडिया के मित्र हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा जो सेशन है इसमें एक ही बात है सबसे बड़ी, ये वेल डिसिप्लिन्ड और पीसफुली चल रहा है। कृपया, आपकी अपनी मजबूरी है, आपने फोटोग्राफ लेने हैं, लेकिन हमारे इस फंक्शन को डिस्टर्ब मत कीजिए। महोदय, आज मुझे याद आ रहा, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। परंतु आज हम कहाँ हैं? बदकिस्मती ये है कि समय से आज वोट पड़ते हैं, सरकार बनती है, फिर वो सरकार लोगों की नहीं रहती और फिर वो सरकार लोगों का भला करने का नहीं सोचती। इसलिए स्थिति ऐसी बन गई है, ऐसा लगने लगा है गवर्नमेंट ऑफ द कॉरपोरेट्स, बाय द पीपल, फॉर द कॉरपोरेट्स हो गया है। ऐसी स्थिति में जब लोगों के नुमाइंदे, जिनको हम चुन के भेजते हैं यहाँ पे, ये साथ ही पार्लियामेंट में बैठते हैं, वो एक अलग क्लास बन के रह गए हैं। लोगों से उनका नाता जैसे टूट गया है और वो लोग आम आदमी की समस्याओं से दूर रहने लगे हैं। हमारी पार्लियामेंट में जो कुछ होता है लोग अब समझने लगे हैं। मैं समझता हूं इस आंदोलन की प्राप्ति है कि लोगों में अवेयरनेस आई है और आने वाले समय में जो भी लोगों के नुमाइंदे लोगों की अनदेखी करेंगे, लोग उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज जैसी स्थिति है, सरकार ने मजबूर किया और हमारे नुमाइंदों ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया तो लोग बाहर निकले। शुरू से कभी रेलवे लाइंस पर, कभी धरने मुजारे, और आज एक बड़े आंदोलन के रूप में दिल्ली की सड़कों पे, दिल्ली के इर्द गिर्द सारे देश का किसान, मजदूर और आम लोग आके बैठ गए हैं और ये जन आंदोलन बन गया है। और उस जन आंदोलन से ही ये एक हिस्टोरिक, इसके पैरेलल लोगों की सांसें चढ़ाए ताकि उनको थोड़ी समझ आए कि जो आप नहीं कर रहे वो लोग करना शुरू कर, लोगों ने करना शुरू कर दिया है। ये एक नया कंसेप्ट है जो सारी दुनिया के लोगों के लिए इस आंदोलन ने दिया है। हम किसान हैं, किसान थे और किसान रहे, घरों में कैद थे, सरकार ने अपने मंसूबे पाले, खुद उठे, आंदोलन शुरू हुआ और आज ये प्रचंड हो गया। हमारे नुमाइंदे आंदोलन के प्रचंड होते ही जो मूक दर्शक बन के देखते रहे इस आंदोलन को, अलग अलग पार्टियों में बैठे लोग फिर भी इग्नोर करते रहे इस आंदोलन को, लोगों में एक नई चेतना उठी। सरकारें और विरोधी पार्टियों ने लोगों को सहारा देने की बजाय अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी। और कुदरत का करिश्मा देखो, लंबा समय चलने वाला ये आंदोलन दुनिया के लिए एक नया इतिहास रच गया। अध्यक्ष महोदय, लाखों लोगों ने इस आंदोलन में कड़ाके की ठंड, अत्यंत गर्मी और बरसात में अपने
शरीर पे कष्ट उठाए हैं। लोगों की रूह से दूर राजसी पार्टियां एक अलग जमात होने का एहसास कराती रही। लोग आगे बढ़ते रहे, किसान संसद बन गई, संवाद रचा गया, आज हम यहां बैठे हैं। मंजर अभी हासिल करनी है, इरादे दृढ़ है, जीतांगे जरूर। बहुत कुछ सीखा और समझा, बहुत से भुलेखे गलतफहमियां दूर हुई, समझे आप लोकी तो अज के तंत्र विच राजनेताओं के एजेंडे उत्ते ही नहीं, राजभाग वाले नूं समझ के ओक पड़ताल तो बाद इस असली सदन विच भाजपा हुक्मरानों की सरकार विरुद्ध अविश्वास का मता पेश कर रहा हां। स्पीकर साहब, असी खेत कुटन वाले लोगों ने 1967 तो अज तक किसी ना किसी उत्ते विश्वास किया, वोट पाई, वेले हो गए, खेतों में जा बड़े, अपने लिए तो देश लिए अन्न पैदा करते रहे। राजनेताओं का राजनीति व्यापार बन गया, लुट खुट खसुट शुरू हो गई। 2014 में असी लच्छेदार भाषणों में फस गए, अके हर एक के खाते में 15 लाख आ जाएगा, काला धन देश में लिया के देशवासियों के बारे नारे कर देंगे, हर साल 2 करोड़ नौकरियां, कोई आके घर घर नौकरी, असी मोदी जी की सरकार ले आए। होया कि मोदी जी ने नोटबंदी की, लोकी अपने ही पैसे लई बैंकां अगे लाइनां विच लगे दुनिया तो चले गए। एक इस तो देश नूं की मिलिया कुछ पता नहीं, किन्ना काला धन लभिया कुछ पता नहीं, विदेशी बैंकां तो किन्ना धन वापस आया कोई हिसाब या जानकारी नहीं। स्पीकर साहब, GST लागू हो गया, व्यापारियों इंडस्ट्री वाले का लोगों का नक विच दम हो गया, उल्टा मोदी सरकार के मोढ़िया उत्ते चढ़ के कुछ लोग बैंकों तो हर रोज 1000 करोड़ कर्जा लेके विदेश NPA कह के हर साल लखां करोड़ माफ कर लग पे। देश की जायदाद बेचनी शुरू हो गई, देश का संचार सिस्टम अंबानी वैंस खेत्र विच अंबानी। स्पीकर सर, अज देश का हर शहरी महंगाई करूं तड़प रहा है, डीजल पेट्रोल रसोई गैस दीयां कीमतां आम आदमी की पहुंच तो बाहर हैं, खाते में गैस सबसिडी का ड्रामा फेल हो गया है, किसानों नू 6000 रुपये सालाना देने का भुलेखा दूर हो गया है, पैसे वसूले जा रहे हैं, लोगों का जीना मुश्किल हो गया, एक एक करके सारे सरकारी अदारे सेल पे लगे हुए हैं, हर मेहनत कश नू कुचलिया ही नहीं जा रहा, सगो कारपोरेट घराणियां दे बंधुआ मजदूर बनाया जा रहा है। सरकार नू देश दे सारे असासे बेचण लई अंबानी अडानी अते कारपोरेट घराणियां तो बिना कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। स्पीकर सर, असी मोदी सरकार दे हथकंडियां तो बहुत कुछ सीखा है, सानू समझ पई है कि मोदी सरकार नू किसानां मजदूरां नाल दिली नफरत है। कहते हैं सोने तो बोल तो सही, मैं देखा तू अंदरों कितना सोना है। पिछले 8 महीने तो दिल्ली के बॉर्डर उत्ते बैठे किसानों नू मोदी जी ते उन्होंने साथियों ने कभी भी कभी खालिस्तानी कदे पाकिस्तानी कदे देशद्रोही अते हुण तां किसानां मजदूरां प्रति नफरत दी हालत यह है। जे कोई लोकतंत्र ढंग नाल आवाज उठाउंदा है
ईडी सीबीआई अते होर केंद्र दी एजेंसियां तो डराया जाता है। जे कोई मजलूमा की आवाज उठाता है उस रिश्वत वाल बढ़ रहा है और यह देश बर्बाद हो जाएगा। मैनू भरोसा है अपने देशवासियों ते, मैनू भरोसा है अपने किसान मजदूर डेलीगेटा उत्ते। जिहड़ी लड़ाई तुसी विढ़ी है इन्हें दुनिया विच अपनी थान बनाई है। अज दुनिया के विकसित अकवांदे देशों विच हाउस ऑफ कॉमन्स विच दो बार तुहाडे नाल मंगां दे उत्ते चर्चा हो चुकी है। न्यूजीलैंड दी पार्लीमेंट विच, आस्ट्रेलिया दी पार्लीमेंट विच चर्चा हो चुकी है। यूनाइटेड नेशन चर्चा हो चुकी है, ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल विच चर्चा हो चुकी है, पर असी चेतावनी दिंदे हां कि सही रस्ते ते आ जाओ, नहीं तो ये देश बर्बाद हो जाएगा और लोग तुहानू भी नहीं बख्शणगे। मैं अखीर विच फिर स्पीकर साहब ये सदन के सामने ये मोदी सरकार की छुट्टी करने नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश करदा। मैं उम्मीद करदा मेरे साथी इसे पास करके मोदी सरकार को चलता करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अविश्वास का मता यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन